मैं शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी आपसे मुखातिब हूं। इस वक्त कोरोना वायरस वबा की शक्ल में पूरे मुल्क में तेजी के साथ फैल चुका है और ये जानलेवा वायरस लातादाद इंसानों को मुसलसल अपनी लपेट में ले रहा है। यह ऐसा कयामत खेज मंजर है जो हमने और आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हजारों खानदानों ने अपनों को खो दिया जो इस वायरस का शिकार हुए। इस दुनिया से रुखसत होने वाले लातादाद लोग गुस्ल, कफन और अपने करीबी अजीजों के कांधे से भी महरूम रह गए। डॉक्टर्स और माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी वेव का खतरा भी बाकी है और इस वक्त बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। हम जितना एहतियात करेंगे इतना ही हम इस जानलेवा वायरस से अपने आप को और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। 13 या 14 मई को ईद उल फितर है। हालात की नजाकत को देखते हुए मेरी अपील है कि ईद उल फितर की नमाज अपने घरों पर ही पढ़ी जाए तो बेहतर है। इस वबा से बचने के लिए मखसूस हालात में घरों पर नमाज पढ़ने की शरण गुंजाइश मौजूद है। दुआ है कि खुदा हम सबको पूरी